उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाओ, उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। डरो उस वक्त से जब नवाज शरीफ छुपे राज उगल दें, अवाम में जाएं और साजिशियों को बेनकाब कर दें। मरियम नवाज की ललकार, कहती हैं साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। जीआईटी से पूछा, मेरा कसूर क्या है, वो कर्ज भी अदा कर दिया जो वाजिब भी नहीं था। मरियम की वार्निंग का मुखातिब कौन, किसको साजिशी कहा और किन राजों की बात कर रही हैं? नवाज शरीफ अवाम में क्या अहम इंकशाफ कर सकते हैं? धमकियों पर हर कोई सरापा सवाल। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। मरियम की नाम लिए बगैर मुशर्रफ और इमरान खान पर तनकीद। हम भी कमर दर्द का बहाना बनाकर गाड़ी अस्पताल ले जा सकते थे, इश्तहारी होने के बावजूद नथिया गली में छुप सकते थे। मुखालिफीन की ऑफशोर कंपनियां हलाल और हमारी हराम क्यों? मरियम नवाज किसके जेरे किफालत थीं? सहाफी के सवाल पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर बुरा मान गए, जवाब में तानों पर उतर आए सहाफियों का एहतजाज। हदफ तुम नहीं मैं हूँ, वजीर आजम की बेटी से गुफ्तगू, आपके नक्शे कदम पर चलूंगी, मरियम का जवाब। कुलसूम नवाज बेटी को रुखसत करते वक्त जज्बाती कुरान के साए में रुखसत किया, वापसी पर फूलों के ढेर लग गए, वजीर आजम हाउस में इजलास भी हुआ। शहजादी मरियम का शाही अंदाज, 13 गाड़ियों का काफिला, भाइयों और शोहर का पहरा, लेडी एसपी का सल्यूट और कदमों पर भी झुक गईं, कैप्टन सफदर को भी सल्यूट, कारकुनान की नारेबाजी, पुलिस से झड़पें, सड़कें बंद होने से गाड़ियों की लाइनें लग गईं। दुख्तर अव्वल की वीआईपी पेशी, 24 न्यूज कवरेज में बाजी ले गया, रवानगी पेशी और बाहर आने के मनासिर सबसे पहले दिखाए, अंदर की खबरों में भी सबसे आगे। देख मरियम, तेरे चचा ने तेरी बहनों को किस काम पर लगा दिया। दुख्तर अव्वल का अंदाज शाही और साहिवाल की खवातीन डॉक्टर्स गैर मुल्की मेहमानों की खिदमत पर मामूर, खुश शक्ल लड़कियों के चुनाव के लिए अफसरों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल कर दिया, आखिर क्यों? पाकिस्तान में तबाही की वजह नवाज शरीफ की बादशाहत है, मरियम नवाज को सल्यूट किए जा रहे हैं, जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता, इमरान खान का चित्राल में खिताब। चेयरमैन नायब कमर जमान चौधरी से जीआईटी की तहकीकात मुकम्मल, 1 घंटा 20 मिनट तक सवालात के बाद पिछले गेट से निकल गए। डॉलर की कीमत 3.34 रुपए इजाफे के बाद 108.24 हो गई, ब्लूमबर्ग ने वजह बताई तो स्टेट बैंक को तस्दीक करना पड़ी, वजीर खजाना कोई और कहानी बयान करते रहे लेकिन स्टेट बैंक ने कहा तजारती खसारा पूरा करने के लिए कीमत हुकूमत ने खुद बढ़ाई। भुट्टो हुकूमत की बरतरफी को 40 बरस मुकम्मल, पीपल्स पार्टी का यौम सयाह, मुल्क भर में तकारीर, बिलावल भुट्टो का कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को सलाम। बेनजीर तो खुद वजीर आजम थी और वजीर आजम की बेटी भी, ये क्या है? जमहूरियत की बका की जंग पीपल्स पार्टी लड़ेगी, जो तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते वो पनामा और जेलों से डरते हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी का दादू और खैरपुर नाथन शाह में खिताब। पाकिस्तान का 70 किलोमीटर रेंज वाले नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, आर्मी चीफ कहते हैं नसर मिसाइल ने कोल्ड स्टार सलाहियत के दावों पर ठंडा पानी डाल दिया।
इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में। दुनिया कश्मीर में भारतीय पॉलिसीज मुस्तरद कर दे, नवाज शरीफ की ताजिक सदर के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। ईरानी रूहानी पेशवा खामनाई ने भी जिद्दोजहद कश्मीर की हिमायत कर दी। बलोचिस्तान के एमपीए मजीद अचक जयादी कानून शिकन निकले, इकदाम कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया, दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची वाले बारिशी पानी से एक हफ्ते बाद भी परेशान, सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में सात रोज बाद भी निकासी ना हो सकी, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले कौमी हीरो।